सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, भाई साहब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। मिशन 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार कमर कस चुके हैं। बिहार से नीतीश कुमार निकलकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित तमाम जगहों पर नीतीश कुमार और उन जगहों के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार 2024 के पहले तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर एक मजबूत गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सोच है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल को एक मंच पे आना होगा, तभी नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने से चूक जाएंगे। और इसकी कवायद नीतीश कुमार ने बिहार में एनडीए से बाहर होकर किया, महागठबंधन में शामिल होकर। नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ सात जो दल है बिहार में उनके साथ गठबंधन किया और महागठबंधन का स्वरूप एक बार फिर से बनाई। और अब इस स्वरूप में भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हों, लेकिन इन सबसे इतर नीतीश अब देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। 3 दिनों के दिल्ली यात्रा के दौरान नीतीश कुमार कई विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात किया, लेकिन राहुल गांधी के शान में नीतीश कुमार ने खूब कसीदे कढ़े। नीतीश कुमार ने कहा कि देश का भविष्य राहुल गांधी है। राहुल गांधी हालांकि नीतीश कुमार से बातचीत के बाद बड़े ही खामोश ही रहे, कोई ऑफिशियल उनका बयान सामने नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीरें सामने जरूर आई। और अब आज नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव का हाल चाल जाना, इस बीच कई राजनीतिक बातचीत हुई, क्योंकि मुलाकात होती है तो फिर बातचीत भी होती है। और इस बार तो नीतीश कुमार मिशन के तहत बातचीत कर रहे हैं, मिशन था 2024। अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह यादव के साथ मौजूद थे, अखिलेश यादव से भी राजनीतिक बातचीत हुई। नीतीश कुमार यहाँ भी राहुल गांधी की तरह ही जब मीडिया के सामने पहुंचे तो जमकर अखिलेश की तारीफ की, कहा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य अखिलेश यादव ही है। लेकिन अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार और आप के साथ जो गठबंधन है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा, आप नीतीश कुमार के इस मुहिम में कितना मदद कीजिएगा, कितना सार्थक कदम नीतीश कुमार का है, सीधे तौर पर तमाम सवालों को टालते रहे। अखिलेश यादव मीडिया के सामने आज नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच जो मुलाकात हुई, इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। तभी तो कहा जा रहा कि पहले राहुल ने नीतीश कुमार को कोई खास तवज्जो नहीं दिया और अब अखिलेश यादव भी कमोबेश वही करते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही दिल्ली के अंदर दर दर तमाम राजनीतिक दल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों, तमाम दरवाजे को खटखटा रहे हों, लेकिन अब तक जो परिणाम नीतीश कुमार के साथ सामने दिखा है वो नीतीश के लिए भले ही संतोषजनक दिखे, लेकिन सियासत के नज़रों से देखें तो शायद अब तक संतोषजनक परिणाम नहीं है। तभी तो बीजेपी इस मुलाकात पर सवाल उठा रही है। बहरहाल हम आपको सुनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार जब मुलायम सिंह यादव से मिलकर वापस लौटे तो अखिलेश यादव के साथ मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, बयान को सुनिए। सबको मिलकर के आगे बढ़ना है, सबको तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सब उसके? भाई सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे। जानते हैं अखिलेश जी, क्या क्या बात हुई नीतीश जी के साथ? आपने बोल दिया, नीतीश जी के मुहिम में आप लोग हैं, नीतीश जी के मुहिम में साथ में हैं। ठीक, अच्छा।